नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। माँ के साथ बाजार के लिए निकली लड़की के बैग से पैसा निकाल रहे चार में से दो युवक को बहादुर लड़की ने पकड़ा। अमैया थाने का है मामला। माँ के साथ बाजार के लिए निकली लड़की के बैग से पैसा निकाल रहे चार में से दो युवक बहादुर लड़की ने पकड़े, अमैया थाने का है मामला। रीवा जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद, ये तो दिखाई देता है आए दिन होने वाली घटनाओं को देखकर। जिसकी जहां मर्जी वो इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे देता है। कुछ इसी तरीके की घटना को अंजाम देने में आजकल कोई नई बात नहीं रही। अपराधियों के हौसले को देखकर हम साफ तौर से ऐसा कह सकते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात, शहर हो या गांव, या शहर का व्यस्ततम इलाका हो, अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। रीवा में बीती शाम ऐसी ही एक घटना प्रकाश में आई। एक लड़की के बैग से पैसा निकालते दो युवक पकड़ाए, मौके से दो भाग गए। लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए स्थानीय लोगों के सहयोग से दो लड़कों को पकड़ डाला। दिन दहाड़े जहां लूट की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे आमजन भयभीत रहता है, एक बार फिर दिन दहाड़े चोरी की घटना हुई, लेकिन छात्रा ने बहादुरी दिखाते हुए दो बदमाशों को धर दबोचा, पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल अमैया थाना क्षेत्र के रीवा शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके स्वागत भवन के पास प्रकाश चौराहा के पास का ये है मामला। रोशनी सिंह पिता शिव सिंह निवासी पुष्पराज नगर अपनी मां के साथ लैपटॉप सुधरवाने पहुंचे थे। उनको अपनी लैपटॉप में एंटीवायरस डलवाना था, तभी स्वागत भवन के पास बेल्ट की दुकान में बेल्ट देखकर खरीदने पहुंच गए। चार की संख्या में वहां पर बदमाश आए। बदमाशों ने बैग से पैसे निकाल लिए। बदमाश पैसा लेकर भागते इसके पहले ही छात्रा की नजर बदमाशों पर पड़ गई। स्थानीय लोगों की मदद से छात्रा ने दो को धर दबोचा, जबकि दो भागने में सफल हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों को पकड़कर पूछताछ कर रही है, जिनसे बड़ी चोरी का खुलासा हो सकता है, माना जा सकता है। युवकों का एक गिरोह है जो मौका देखकर कहीं भी एक जगह एकत्र हो जाता है, जिसमें से एक आदमी लोगों के पास मोबाइल, नकदी या जो भी उनकी नजर पड़ती है उसको पार कर देता है। लेकिन यहाँ पर लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए जैसे ही उसने देखा बैग से उसके पैसे निकले, तत्काल ही उसने पलट के स्थानीय लोगों के सहयोग से दो लड़कों को पकड़ डाला। हम आपको बता दें, जनता दल एस के प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त किसान मोर्चे के अध्यक्ष शिव सिंह की बेटी ने बहादुरी दिखाते हुए चोरों की पकड़ा है। सुनिए पूरे मामले को लेकर शिव सिंह और उनकी बेटी क्या कुछ कह रहे हैं जब वो अमैया थाने शिकायत करने पहुंचे। हमारी टीम ने उनसे बात की। हम लोग बेल्ट की दुकान में बेल्ट ले रहे थे, तभी हमारे बैग से तीन चार चोर आए, तो एक ने हमारे बैग से 750 रुपए चोरी कर लिए। हम आए थे लैपटॉप में एंटीवायरस डलवाने। जैसे ही वो चोर भागने लगे तो हम लोगों ने देखा, उसको पकड़ा, फिर और भी लोग आ गए, उनको पकड़ लिए। फिर मैंने पापा को फोन किया, पापा आए, फिर पुलिस को फोन किया। चार लोग थे जिसमें से दो को हम लोगों ने पकड़ लिया था, दो भाग गए। ये बंगाल स्वीट्स के सामने की घटना है। हाँ, प्रकाश चौराहा। घटना हमारी बच्ची और मिसेज बाजार आई थी, कुछ लैपटॉप का काम कराना था, और वहाँ से काम करा करके और प्रकाश स्वागत भवन के पास जहाँ वो बेल्ट की दुकान है, स्वागत भवन चौराहे में ही बेल्ट देखने लगे। उसी समय इसके पीछे बैग से चैन से खोल करके पैसा 750 निकाले, लैपटॉप वगैरह भरा था। और इन्होंने जब देखा कि बैग में पैसा नहीं है तो इनको शंका हुई, लोगों ने बताया कि शायद वो फला व्यक्ति ले गया, तो मिसेज और बच्चियों ने जा करके उनको तत्काल पकड़ा, फिर और लोग सहयोग किए तो पकड़ के वहीं बैठा दिए। और इसके बाद ही इसने हमें फ़ोन किया, मैं कोर्ट में था, मैं आया, सीएसपी मैडम से बात किया, उन्होंने पुलिस बल भेजा और चोरों को यहाँ महिया ले आए। महिया का मामला है यहाँ, हमने रिपोर्ट जो है बच्ची ने हमारी रिपोर्ट लिखित में दे दी है। चार की संख्या में थे जिसमें दो भाग गए हैं, दो पकड़े गए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।